थोड़ी ही देर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं यशवंत सिन्हा और अखिलेश यादव। जहां बीजेपी वाले यशवंत सिन्हा की बात हो रही है, बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। गणतंत्र दिवस के मौके पर यशवंत सिन्हा की दिखी थी समाजवादी पार्टी से नजदीकी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा। बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, सीएए और एनआरसी का कर रहे हैं विरोध। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या, ये खोजने की कोशिश करनी होगी। जो तस्वीर निकलकर आई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैसे लखनऊ में यशवंत सिन्हा का स्वागत किया था, उसके बाद आज जो खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर यशवंत सिन्हा की सपा से नजदीकी करीबी दिखाई दी थी, थोड़ी देर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं यशवंत सिन्हा और अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ाया है हाथ यशवंत सिन्हा ने, समाजवादी प्रेम दिख रहा है क्या? गणतंत्र दिवस पर दिखी सपा से नजदीकी, सैफई में 26 जनवरी के कार्यक्रम में शिरकत की। तो थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा। नरेंद्र यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे उनके पास चलते हैं लखनऊ। नरेंद्र, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नजदीकी और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर लखनऊ से, क्या कुछ समझे, मायने क्या निकाले जाए? देखिए, विरोधी दल जितने भी हैं वो सभी एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी लगातार मुखर रही है और समाजवादी पार्टी भी ये आवाज़ उठाती रही है कि संशोधित नागरिकता कानून गरीबों के और देशवासियों के विरोध में है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा देश को। इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी भी आवाज़ उठाती रही है, जिसकी कड़ी में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैफई में यशवंत सिन्हा झंडारोहण कार्यक्रम में गए थे और अखिलेश यादव के मंच से जनसभा को और वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया था। और आज अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर यशवंत सिन्हा पहुंचेंगे, गांधी शांति यात्रा लेकर के आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहां समाजवादी पार्टी दफ्तर पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा हो गए हैं। यशवंत सिन्हा यहां लोगों को संबोधित करेंगे और सीएए और एनआरसी से होने वाले देश के नुकसान को बताएंगे और लगातार वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। और विपक्षी दल एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी एनआरसी और सीए को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। इनकी यात्रा मुंबई से शुरू हुई थी और इस समय ये उत्तर प्रदेश में है, राजधानी लखनऊ में। समाजवादी पार्टी दफ्तर का ये नज़ारा है जहां पर यशवंत सिन्हा थोड़ी देर में पहुंचेंगे और अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से वार्ता करने के बाद वो सीधे यहां मंच पर आएंगे जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर है, जहां पर बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए मौजूद हैं। यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुंबई से शुरू हुई यात्रा जो एनआरसी और सीए के विरोध में थी, उसी गांधी शांति यात्रा की एक कड़ी है, जहां पर अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, यशवंत सिन्हा का स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पूरी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता भी उनका स्वागत कर रहे हैं। अपने दमखम को दिखाने के लिए और विरोध को दिखाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यशवंत सिन्हा और अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली पीसी में क्या क्या बोलते हैं। हालांकि लगातार एनआरसी और सीए का विरोध करते आए हैं, तो निश्चित तौर पे यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के रूप में एक मजबूत सपोर्टर मिला है और इसको अखिलेश यादव भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो जो लोग एनआरसी और सीए का विरोध करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और
आम लोग भी साथ में हैं, इसी का नज़ारा यहां देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी पर अब से थोड़ी ही देर में यशवंत सिन्हा और अखिलेश यादव की पीसी होगी। जी नरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यशवंत सिन्हा थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देश का संविधान और गणतंत्र खतरे में है और मैं पुराना समाजवादी हूं, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि यशवंत सिन्हा का रिश्ता बीजेपी से रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा ने जिस तरीके से बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो देश को खतरा है, संविधान को खतरा है संशोधित नागरिकता कानून से, और मैं समाजवादी हूँ और समाजवाद की बात करता हूँ, आम लोगों की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ। और ये गांधी शांति यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए है, लोगों को ये बताने का ये प्रयास करेंगे कि CAA और NRC किस तरीके से लोगों के लिए नुकसानदेह है। हालांकि वो लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं अपील कर रहा हूं और लोगों से कह भी रहे हैं कि आप कोई कागज़ या डॉक्यूमेंट सरकार को ना दीजिए, ना दिखाइए। और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, कई बार बयान दे चुके हैं कि हम इसके विरोध में हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंट ना दिखाएं उन अधिकारियों को जो CAA और NRC लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसका विरोध कैसे होता है और किस कानून और किस धारा के अंतर्गत विरोध होता है। तो ये विपक्ष की एकजुटता का एक नमूना होगा, क्योंकि CAA और NRC को लेकर लगातार विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहा है, एक मंच पर नहीं हो पा रहा है। इसी का नतीजा है कि मुंबई से शुरू हुई ये यात्रा यशवंत सिन्हा की जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो यहां पर अखिलेश यादव ने उनको सपोर्ट किया, यहां घंटा घर पर लगातार महिलाओं का प्रदर्शन भी CAA और NRC के विरोध में चल रहा, तो आज राजधानी लखनऊ में यशवंत सिन्हा के साथ लोग जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी पे उनके स्वागत के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। और अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा थोड़ी देर में पीसी करते हैं, अब देखने वाली बातें होती है कि दोनों लोग अपने संयुक्त बयान में संयुक्त पीसी में क्या कहते हैं। नरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो छूट जाता है वो ये कि यशवंत सिन्हा की अखिलेश यादव से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है दोनों की, उत्तर प्रदेश के सियासी मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि यशवंत सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे सब जानते हैं, आज बगलगीर बन रहे हैं अखिलेश यादव के, चाहे मकसद कुछ भी हो, किसी यात्रा के जरिए हो, किसी कानून का विरोध हो, लेकिन सियासी मायने क्या। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा का एक बड़ा कद है, अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यशवंत सिन्हा को मानने वाले होंगे और उनके साथ एक तबका वो भी खड़ा होगा जो NRC और CAA का लगातार विरोध कर रहा है। अगर एक गुट आकर समाजवादी पार्टी से जुड़ता है और वो कोई मुहिम चलाता है, कोई शांति यात्रा चलाता है या नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जागरूकता अभियान चलाता है या उसकी खामियों को गिनाता है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ अखिलेश यादव को खड़ा होने से फायदा ही दिखता है, क्योंकि जहां जहां पर विरोध की आवाज उठी है वहां वहां पर अखिलेश यादव गए हैं और लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। तो एक तौर से यशवंत सिन्हा को अपने साथ लेने से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी, चाहे वो थोड़ी मजबूती हो या ज़्यादा मजबूती हो, लेकिन उनका उनका एक मैसेज रहेगा, उनका अखिलेश यादव का भी एक संदेश जाएगा कि जो जो लोग इस कानून के विरोध में हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये पॉलिटिकल मामला है और इसी के चलते अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को अपने पार्टी कार्यालय पर आमंत्रित किया है और थोड़ी देर में दोनों ही नेता मीडिया को संबोधित करेगी। जी नरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल जनता भी जानना चाह रही होगी, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यशवंत सिन्हा का मूड दिखाई दिया, वो मूड से तल्खियां ज्यादा दिखाई दी, तल्ख तेवर दिखाई दिए बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये सवाल थोड़ा जल्दी हो सकता है लेकिन आप नजर रखे हुए लखनऊ की हर खबर पर, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं यशवंत सिन्हा? देखिए, आने वाले दिनों में कुछ भी कहा जा सकता है। बीजेपी के जो कद्दावर बड़े नेता जो नाराज होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको समाजवादी पार्टी ही नज़र आती है और उसी से करीबी बनाते हैं। इसी का नतीजा था कि बीजेपी के कद्दावर नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर आए, अखिलेश यादव से मिले, उनके साथ प्रेस वार्ता किया और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी से लखनऊ से चुनाव लड़ा। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नेता होता है या पार्टी छोड़ता है या बगावत करता है तो उत्तर प्रदेश में उसको अपनी जगह अगर तलाशनी है तो सबसे ज़्यादा मुफीद वो समाजवादी पार्टी को पाता है। और अखिलेश यादव भी ऐसे लोगों को
सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं और उनकी जो अपनी मांगे रखते हैं या उनसे मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर एक तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने से अखिलेश यादव कभी नहीं चूकते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं या कद्दावर नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफ हैं, विरोध करते हैं और मंच से विरोध करते हैं, उनके साथ जनता भी खड़ी होती है, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं या अपने सपोर्टरों के माध्यम से आगे आते हैं तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे। जी चलिए नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आएंगे आपके पास।